आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बाइक जो कि है क्लासिक 350 डार्क स्टील ब्लैक, बहुत ज़्यादा चहेती है इंडियन मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो आज इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। आपको एक काम करना है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लासिक 350 कैसी लगती है एंड आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा फेवरेट कलर डेफिनेटली डार्क सीरीज़ में गन मेटल ग्रे है। यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 260,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आता है इस कलर का, अगर मैं बताऊँ। एंड ओवरऑल ये लेटेस्ट बाइक है, E20 पेट्रोल की बैजिंग आती है, लेटेस्ट क्लासिक 350 की यहाँ पर डार्क स्टील ब्लैक आपको देखने को मिलती है। एंड इस बाइक के अंदर क्या खास बात है जो जिसकी वजह से इस बाइक को ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो सबसे बड़ा खास बात जो इसकी है वो आती है इस बाइक का लुक। इस बाइक का जो ओवरऑल फील है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासिक 350s, बिकॉज जो ये बाइक आती है एक प्रॉपर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आती है। साथ में यहाँ पर आपको रेड डिटेलिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर ओवरऑल ऑल ब्लैक लुक आता है, इंजन ब्लैक है, रिम्स ब्लैक है, ओवरऑल फ्यूल टैंक ब्लैक है, पीछे फेंडर आगे का मडगार्ड सब कुछ यहाँ पर ओवरऑल आपको ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस बाइक के अंदर आते हैं अलॉय व्हील्स। जो अलॉय व्हील्स आते हैं इसका मतलब इस बाइक के अंदर आता है ट्यूबलेस टायर, जो कि बहुत शानदार चीज़ है, बिकॉज सिर्फ डार्क सीरीज ही एक ऐसी सीरीज है पूरी क्लासिक 350 के लाइनअप में जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, साथ में ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज कोई भी आप यहाँ पर क्लासिक 350 ले लो, इसके अलावा सब में स्पोक व्हील्स आते हैं और ट्यूब टायर आते हैं। यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा फ्रंट के अंदर 300 मिलीमीटर का, बाइब्री कैलिपर्स आते हैं, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आती है, लुक बहुत शानदार आता है, इसमें इंजन गार्ड लगा हुआ है, ये एज एन एक्सेसरी आता है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगवा सकते हो क्लासिक 350 के अंदर। एंड ओवरऑल लुक जो आता है कुछ इस प्रकार से। इंजन के बारे में बात करें, 349cc का आता है, 20 BHP आउटपुट देता है, 28 Nm ऑफ टॉर्क देता है, लगभग 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर का बाइक माइलेज देती है अगर आप ढंग से चलाते हैं। इंजन बहुत रिफाइंड है, 5 गियर आते हैं, बहुत स्मूथ बाइक है, लिटरली जो ओल्ड क्लासिक 350 है उससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है। एंड इस बाइक से जो है किक हट चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किक जो है नहीं आता है। एंड ओवरऑल जो है इस बाइक का एग्जॉस्ट काफ़ी लॉन्ग है, रियर में आपको बल्ब इंडिकेटर्स और बल्ब टेल लाइट देखने को मिलती है, 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ वाइब्री कैलिपर्स आते हैं। यहाँ पर रियर में भी जो है आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, स्प्लिट सीट आती है, स्पेसिंग काफ़ी बढ़िया है बोथ फॉर द पिलियन एंड द राइडर। क्लासिक 350 एक बहुत कंफर्टेबल बाइक है एंड जो बाइक का फील है, लुक है, बहुत ह्यूज आता है, बहुत ही शानदार आता है। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की लग रही है क्लासिक 350। एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है फ्यूल टैंक 13 लीटर का आता है अप्रॉक्सीमेटली, की होल एरिया यहाँ पर आता है खोलने के लिए इसको फ्यूल टैंक का लिड, साथ में USB चार्जिंग पोर्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप फ़ोन, ब्लूटूथ, अपने डिवाइसेज या फिर आप GoPro सब चार्ज कर सकते हो। साथ में एट द लेफ्ट की तरफ हाई बीम, लो बीम पास, इंडिकेटर, हॉर्न, आई बटन, राइट साइड में आता है किल स्विच, इग्निशन स्विच एंड हैजार्ड लाइट का ऑप्शन। एंड कुछ इस प्रकार से फ्रंट लुक आता है, इसमें डुअल जो है आपको देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर फ्यूल गेज भी आता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, टाइम, ओडोमीटर सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 260,000 में आपको काफ़ी शानदार लुक, फील एंड ओवरऑल यहाँ पर स्टांस देखने को मिलता है। दो स्टैंड आते हैं, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी शानदार है, काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक है इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर सिटी में आप चला सकते हो, हाईवे पर चला सकते हो, लॉन्ग राइड्स पर जा सकते हो, मतलब हर एक यहाँ पर टेरेन पे आप इस बाइक को ले जा सकते हो लिटरली। एंड ट्यूबलेस टायर्स के बाद क्या है, बहुत एक सिंपल राइड हो जाती है, मतलब आपको पंचर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर देखना पड़ता है, तो ट्यूबलेस टायर्स के साथ तो बहुत शानदार चीज़ हो जाती है। एंड मेन जो चीज़ है ना ये क्लासिक 350 स्टील ब्लैक के साथ, वो है इस बाइक का लुक, इस बाइक का कलर, जिसकी वजह से बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा फेमस है ये बाइक। मतलब तो शानदार आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, मैट फिनिश में बाइक जो है बहुत डिफरेंट, बहुत अलग लगती है। यहाँ पर अगर आप बात करो पूरे ओवरऑल कलर के बारे में, बहुत ही एक डिफरेंट ऑल टुगेदर लुक आता है, आप देख सकते हैं, एंड काफ़ी मस्कुलर भी लगती है ब्लैक के अंदर। बाकी लोग जो हैं यहाँ पर आजकल ब्लैक गाड़ियाँ लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज डिफरेंट फील आती है, सो इसलिए भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी क्लासिक 350 आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत प्रैक्टिकल बाइक लगती है। यहाँ पर अगर आप टूरिंग ज़्यादा करते हो तो आप मीटियोर ले सकते हो, बाकी अगर आपको एक फ़न बाइक चाहिए तो आप हंटर 350 ले सकते हो, एंड अगर आपको एक रियल रॉयल एनफील्ड चाहिए तो आप बुलेट 350 ले सकते हो। बाकी मुझे पर्सनली क्लासिक 350 प्रैक्टिकल बाइक लगती है इंडियन मार्केट में, एंड अगर आप यहाँ पर पिलियन के साथ भी राइड करते हो तो भी बहुत अच्छी गाड़ी है ये, एंड सिटी में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, हाईवे चलाने के लिए बहुत शानदार है। यहाँ पर ओवरऑल इस बाइक को संभालना बहुत आसान है,
बिकॉज ईजी टू हैंडल है, हैंडल बार्स इसके बहुत ही अच्छी तरीके से पोजिशन है, तो यहाँ पर सिटी में ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान हो जाता है इस बाइक को। बाकी आपको कैसी लगती है क्लासिक 350 कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में पहले कदम ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है थ्रॉटलॉन्स को 9 डैमेज का हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, सेफ, बाय बाय।